ज्ञानवाणी में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों एक ऐसे पेड़ के बारे में जिस पेड़ पर उगते हैं लड़की के आकार जैसे फल। दोस्तों आपने अब तक बहुत से अजीबोगरीब पेड़ पौधों के बारे में सुना होगा और देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जिस पर फल नहीं बल्कि औरतें उगती है? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ऐसा ही कुछ दिखाने वाले हैं। माना कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन लड़कियां पेड़ पर उग सकती हैं। अभी तक तो आपने पेड़ों पर फल सब्जियां ही लटके हुए देखी होगी, लेकिन क्या कभी पेड़ पर लड़कियां लगती हुई देखी हैं? जी हाँ, थाईलैंड में एक ऐसा ही पेड़ है जिस पर लड़की के आकार का फल आता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर यह फल चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पेड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। इस पेड़ को लेकर रहस्य बना हुआ है और वहीं इस पेड़ के पीछे के कारण की खोज अभी भी की जा रही है। यूं तो इस पेड़ को लेकर सभी अलग अलग कहानियां बताते हैं, लेकिन इनमें से एक कहानी ज़्यादातर लोग की जुबान पर रहती है। इसे बौद्ध मान्यताओं से जोड़ा गया है। हम आपको बताएंगे बौद्ध मान्यताओं के अनुसार इस पेड़ की क्या है पूरी कहानी, क्यों लगते हैं इस पर ऐसे फल। दोस्तों वहां के लोग इस पेड़ को नैरिफन के नाम से जानते हैं। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार इस पेड़ को भगवान ने खुद थाईलैंड के हिमाफन के जंगलों में लगाया था, और इसी वजह से इस पेड़ पर ऐसे लड़की के आकार के फल आते हैं। कई लोगों का कहना है कि जिस पेड़ पर यह फल निकलता है वह काफ़ी पवित्र है। माना जाता है कि सदियों पहले भगवान इंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इसी जंगल में रहा करते थे। एक बार भगवान की पत्नी जंगल में फल तोड़ने गई तो कुछ राक्षसों ने उन पर हमला कर दिया। उनकी रक्षा के लिए भगवान ने इस जंगल में नैरिफन के 12 पेड़ तुरंत उगा दिए और राक्षसों को धोखा देने के लिए इस पेड़ पर ऐसे फल लगाए जिनका आकार लड़की के शरीर जैसा था। तभी से यहाँ लोगों का कहना है कि इन पेड़ों पर लड़कियों के शरीर के आकार वाले फल लगते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये वास्तव में फल हैं या कुछ और हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, और आप ऐसे ही रोचक जानकारी से भरे वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।